नमस्कार, बिपिन टेक में आपका स्वागत है। हम आज किस वीडियो में एक बहुत बड़ा जानकारी देने जा रहा हूँ कि अगर हम लोग ट्रेन टिकट बुकिंग किए हैं, चाहे वह काउंटर टिकट हो या ऑनलाइन टिकट हो या खुद से मोबाइल से IRCTC ऐप से काटा गया हो, अगर ट्रेन कैंसिल हो गया तो हम लोग क्या करेंगे। ट्रेन कैंसिल हो जाता है तो हम बहुत घबरा जाते हैं कि हमारे पैसे वापस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। ट्रेन भी कैंसिल हो गया, अब हम लोग क्या करें। अगर ट्रेन कैंसिल हो जाता है तो हमारा पैसे जो वापस मिलेंगे तो क्या कैंसिलेशन चार्ज कटकर मिलेंगे या फिर पूरा वापस आएंगे। हम आज के इस वीडियो में यही बताने वाले हैं पूरा डिटेल्स में, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि सबसे पहले ऐसे ही नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख सके। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर हम लोग ट्रेन टिकट बुकिंग किए हैं, चाहे वह काउंटर टिकट हो या ऑनलाइन टिकट हो या चाहे किसी भी ऐप से काटा गया हो, अगर ट्रेन कैंसिल हो जाता है तो आप इसको खुद से कैंसिल नहीं कीजिए, नहीं तो आपको कैंसिलेशन चार्ज कटकर पैसे वापस आएंगे। पैसे तो वापस आएंगे लेकिन आपको इसको खुद से कैंसिल नहीं करना है। जब आप इसको कैंसिल खुद से कीजिएगा तो अगर आपका वेटिंग होगा तो पर पैसेंजर 60 रुपया कटेंगे, अगर आपका कन्फर्म होगा तो पर पैसेंजर 120 रुपया कट जाएंगे। तो अगर आप जोड़ लीजिए 3-4-5 अगर टिकट आप बुकिंग किए हैं, सभी को आप कैंसिल कर दिए हैं घबरा के ट्रेन कैंसिल सुन करके, तो आपको समझ जाइए कि कितना पैसा का लॉस हुआ। अगर आपको जानकारी नहीं हुआ तो आप जानकारी यहाँ से ले लीजिए। मैं आज इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि आप जब ट्रेन कैंसिल हो जाता है तो आप इसको खुद से कैंसिल नहीं करें, नहीं तो आपको कैंसिलेशन चार्ज कट जाएगा। अगर आपको रेलवे काउंटर का टिकट हो तो आप रेलवे काउंटर पर जा कर के वहाँ से आप वापस रिफ़ंड ले सकते हैं। जब भी ट्रेन कैंसिल होता है दोस्तों, तो आप इस चीज़ को ध्यान दीजिए कि आप इसको खुद से कैंसिल नहीं कीजिए, नहीं तो आपको कैंसिलेशन चार्ज देना पड़ेगा। अगर ट्रेन कैंसिल हो जाता है तो कैंसिल होने के 1-2 दिन बाद 4 दिन बाद आपको पैसे वापस आ जाएंगे। अगर आपको ट्रेन टिकट बुकिंग में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, कोई परेशानी हो रहा है, अगर आप टिकट बुकिंग करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप हमारा चैनल पर जा कर के एक से एक वीडियो देख सकते हैं जो आपको समझ में नहीं आता हो। हम ऐसे ही हार्ड टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं जो कि बहुत कम लोगों को समझ में आता है, तो आप हमारे चैनल पर जा कर के वहाँ से देख करके सीख करके ट्रेन टिकट बुकिंग कर सकते हैं आसानी से। जब हम लोग ट्रेन टिकट बुकिंग करते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे फ्यूचर्स होते हैं जो कि हमें सभी फ्यूचर्स के बारे में पता नहीं होता है और हम टिकट बुकिंग नहीं कर पाते हैं और हम कंफ्यूज में ही रहते हैं, तो आप हमारा चैनल पर जा करके ट्रेन टिकट बुकिंग के बारे में एक से एक वीडियो देख करके आप आसानी से टिकट बुकिंग कर सकते हैं। आशा करता हूं कि जानकारी आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नए जानकारी के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। आपका दिन शुभ हो।